कांग्रेस सरकार के नर्मदा घाटी विकास विभाग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल आज उज्जैन दौरे पर आए। दौरे के दौरान आप उज्जैन शहर के कार्यकारी शहर अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि भदौरिया के निवास पर पहुंचे, जहां आपने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के युवा मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने आज उज्जैन का दौरा किया। इंदौर से उज्जैन पहुंचे और शिप्रा नदी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ उज्जैन शहर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रवि भदौरिया पूरे समय मौजूद रहे। नर्मदा घाटी विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री बघेल के उज्जैन पहुंचने पर तपोभूमि पर रवि भदौरिया के समर्थकों में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे, जिनके द्वारा उनका स्वागत किया गया। उसके पश्चात मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल ने शिप्रा नदी का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री त्रिवेणी घाट पर पहुंचे और पानी की स्थिति देखकर जायजा लिया। शिप्रा नदी का निरीक्षण करने के बाद मंत्री बघेल ने महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस नेता रवि भदौरिया उनके साथ ही थे। दर्शन के बाद मंत्री श्री बघेल शहर कार्यकारी अध्यक्ष रवि भदौरिया के निवास पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही श्री बघेल ने समस्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। इस दौरान श्री बघेल ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश अनुसार हम सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके निवास पर जाकर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल यहां से चिंतामन मंदिर दर्शन कर बंगलामुखी दर्शन किए और दर्शन के पश्चात रवाना हुए। मंत्री श्री बघेल की उज्जैन यात्रा के दौरान उनके साथ रहे रवि भदौरिया ने बताया कि माननीय मंत्री जी उनके साथ यूथ कांग्रेस के समय से कार्यरत हैं और युवा मंत्री हैं, वह सभी कांग्रेस जन का उत्साहवर्धन करते हैं। श्री भदौरिया के निवास पर स्वागत के दौरान उनके साथ श्री विजय सिंह गौतम, राजेश लश्करी, अर्जुन सिंह राठौर, रवि यादव, राहुल दरबार, रवि राठौर, कमल चौधरी, नरेंद्र सोलंकी, लाला प्रमाणिक, पप्पू चौहान, मुकेश यादव, ईशांत भदौरिया सहित सैकड़ों साथी मौजूद थे। जब भी आप किसी जिले में जाएं, किसी विधानसभा में जाएं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलें, उनके घर जाएं, तो आज मैं हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और मजबूती से जन में काम करेगी और हमारे अध्यक्ष महोदय कांग्रेस को और मजबूती की ओर ले जाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा स्वागत किया। अब ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारे कार्यकर्ताओं की सरकार है, हम सभी आपके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, कार्यकर्ताओं की पूछ परख हो रही है। जो भी मंत्री जिले में जाए तो अपने कार्यकर्ताओं के घर जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हनी बघेल जी, सुरेंद्र सिंह बघेल हनी साहब, मेरे साथ में यूथ कांग्रेस और एनएसयू में मैंने उनके साथ काम किया है। वो भी अध्यक्ष रहे हैं, मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी कोई कांग्रेस का लीडर आएगा, निश्चित रूप आज मेरे यहाँ पे मंत्री जी आए, हो सकता कल किसी और कार्यकर्ता किया जाए। ये कि एक सोच माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैदा की है कि इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है और कांग्रेस को एक मजबूती प्रदान होती है। कार्यकर्ता घर जब बड़ा देखा जाता है तो किस प्रकार से मान में वृद्धि होती है उसकी, किस प्रकार से वो फिर कांग्रेस में जुड़ता है? निश्चित रूप से मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्रशासन की नज़र में भी ये रहता है कि भाई आज कोई कांग्रेस का अध्यक्ष है या मैं शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ, मेरे यहाँ मंत्री जी आए हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक उत्साह का माहौल रहता है, कार्यकर्ता खुश रहता है और ये एक मैसेज जो है, ये एक मैसेज कन्वे होता है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में कि माननीय मंत्री जी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर पधारे हैं।